हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, मेरे एक पुरानी वीडियो थी जिसपे बहुत सारा कमेंट आ रहा था। मैं बताया था कि आप अपने मोबाइल से अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक करेंगे, लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं एक नंबर बताया था, ठीक है, सारे बैंक का अलग अलग से नंबर ही बताया था। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे, भाई यह ट्रिक काम नहीं कर रही है, हमको मिनी स्टेटमेंट निकालना है, उसका हेल्पलाइन नंबर लेना है बैंक का। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा भाई। अगर आपका ग्रामीण बैंक भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं, आपको नीचे ग्रामीण बैंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको ग्रामीण बैंक के बारे में नहीं बताया था, और बहुत सारे ऐसे बैंक थे जिनका नंबर नहीं दिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया में जितने सारे बैंक हैं, जितने भी छोटे से बड़े बैंक है, आप उनका बैलेंस अपने मोबाइल से जान पाएंगे बस 30 सेकंड के अंदर में। वह कैसे, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपको एक छोटा सा काम करना है, सबसे पहले आपको हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है। देखो, मैं आपके लिए कहां कहां से कितनी अच्छी अच्छी वीडियो सर्च करके लाता हूं, तो उसके लिए बस एक लाइक करना, एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और आपको शेयर पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर देना है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं। और आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको घंटी पे दबा के ऑल पे कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अब दोस्तों, आपको नीचे आना कमेंट सेक्शन में, कभी कभी कमेंट सेक्शन ऊपर रहता है, तो आपको यहां पर कमेंट करके बताना है आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहती हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको जाना अपने प्ले स्टोर में और आपको यहां पर सर्च करना है बैंक बैलेंस। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे बैंक बैलेंस, तो यहां पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी थर्ड नंबर पे, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ऑल बैंक बैलेंस 2020। तो आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं, आप इसकी रेटिंग से ही समझ जाएंगे एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। आप देख सकते हैं कि 35,000 लोगों ने 4.2 की रेटिंग दिया है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन कैसे वर्क करती होगी, ठीक है। तो आपको सिंपली ओपन कर लेना है। और हम आपको बता दूं, अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इजीली वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपसे आपकी लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा, तो आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपको चूज कर लेना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर सारे के सारे बैंक मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको पॉपुलर बैंक मिल जाएगा, जो सारे पॉपुलर बैंक है, ठीक है। और आपको नीचे मिल जाएगा ऑल बैंक, जिसमें आपको सारे के सारे बैंक मिल जाएंगे। और आपको नीचे मिल जाएगा ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक, ठीक है। किधर गया भाई, हाँ सॉरी, इधर है ग्रामीण बैंक, आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना बैंक सर्च करना है, आप किस बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं। जैसे मुझे यूनियन का करना है। अगर आपको बैंक नहीं मिलता है तो आपको सिंपली यहां पर क्लिक करके सर्च कर लेना है UNI। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यूनियन और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आ गया है, ठीक है। तो चलिए मैं यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लेता हूं। अबे हो जाए यार। ओके, अब दोस्तों आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एटीएम का, ब्रांच का, आईएफएससी कोड का। अगर आपको आईएफएससी कोड निकालना है तो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर आप बैंक का हॉलीडे देखना चाहते हैं कि बैंक की कब कब छुट्टी है, तो आप यहां से देख सकते हैं। लोन का है, फोन बैंकिंग का है, नेट बैंकिंग का है, आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम बैलेंस चेक करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक बैलेंस का, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। पहला है चेक बैंक बैलेंस, और दूसरा है गेट मिनी स्टेटमेंट, तीसरा क्या है, शो नहीं कर रहा है भाई, तीसरा लगता है हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, हट जाए यार। ओके, कॉल कस्टमर केयर, अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप एक बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बैंक बैलेंस चेक करके बता देता हूं। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक नंबर डायल होगा। लेकिन आपको अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, आपको उसी फोन से मिस कॉल करना है, ठीक है। यहां पर एक नंबर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं, अभी आप 1 मिनट, आप देख सकते हैं कि यहां पर एक नंबर आ गया।
तो आपको उसी फोन से मिस कॉल करना है जो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है। आपको ध्यान देना, आप देख सकते हैं 30 सेकंड के अंदर आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा आपके बैंक में कितना बैलेंस है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपको उसी नंबर से मैसेज करना है जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। और हाँ, कभी कभी सर्वर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो सर्वर डाउन होने के बाद में यहां पर अभी एक ऑप्शन शो करेगा, आप देख सकते हैं। अगर सर्वर डाउन है तो 5 मिनट के अंदर, कैसा भी करके 5 मिनट के अंदर आपको एक SMS आ जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा आपके बैंक में कितना पैसा है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको उसी फोन से मिस कॉल करना है जो आपका नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, ठीक है। नहीं तो भाई बताएगा बाद में, नहीं आप चिल्लाना मत कि भाई तू झूठ बोलता है और ये मेरा नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, इसके वजह से मैसेज नहीं आया, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अब यहां पर एक मैसेज आएगा और बता भी देगा कि आपका यह नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलिए हम बैक चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आप किस बैंक का देखना चाहते हैं आप इजिली देख सकते हैं। अगर मैं SBI पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं वही सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। अब आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं, कस्टमर केयर पर कॉल लगाना चाहते हैं, तो जैसे आप क्लिक करेंगे बस आपको क्लिक करना है और यहां पर नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, आपको उसी नंबर से कॉल करना है जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, नहीं तो भाई आप देख सकते हैं कि यहां पर बता दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां पर बता दिया कि यह मेरा नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं कि यह बता दिया यह मेरा बैंक में रजिस्टर्ड नंबर नहीं है। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे आप कैसे चेक करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए और आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बातें भी कर लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।